एक आम घर में आम तरीके से कितने काम होते हैं और सबको मिलजुल के करने होते हैं, लेकिन एक इंसान ऐसा है जो इस काम में बहुत हाथ बंटवाता है, मेड। किसी घर में अगर मेड ना आ रही हो और 15-20 दिन से इंतजार हो रहा हो तो उस घर का हाल क्या हो सकता है ना, कामों का हाल क्या हो सकता है। इसी घर में कॉल कर रहा हूँ और कोशिश करते हैं मुर्गा बनाने की। मिलाओ। हेलो। हेलो काम्या जी। हाँ जी काम्या जी, मैं मनोज प्लेसमेंट से बोल रहा हूँ। मेड के लिए आपने बोला था ना, मेड के लिए याद है आपसे बात हुई थी मेरे भैया की। हाँ जी। अरे मनोज जी, आप अब कॉल कर रहे हो? 4 दिन से मैं वेट कर रही हूँ। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी। तबीयत खराब हो रही है आपकी? मेरा हाल देखो, घर का क्या हो रहा है बिना मेड के? बुरी हालत हो रही। वो समझ रहा हूँ मैं, वो समझ रहा हूँ। एक्चुअली वो दो कैंडिडेट थे, उनके बारे में मैं जब तक कंफर्म नहीं था ना, मैंने कहा मैं मैम से बात नहीं करूंगा, जब कंफर्म हो गया तो मैं आपसे फोन कर रहा था। मेरे को देखो कुछ नहीं सुनना है, आपको पता है कितने काम होते हैं घर में, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना, सब्जी काटना। नहीं मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ मैडम, मैं समझ रहा हूँ। नहीं नहीं आपने वो अभी कौन सी मेड भेजी थी लास्ट वीक, वो सुनीता नाम था उसका, एक भी काम ढंग का नहीं आता था, सीट तोड़नी पड़ी, तो काम करवाना। मैडम मैंने इसीलिए तो वापस बुला लिया ना, इसीलिए वापस बुला लिया। नहीं मैं आपकी बात पे यकीन कर रहा हूँ ना मैडम, आप ये भी तो सोचो ना, कैंडिडेट होगा जब भी तो भेजेंगे ना, कैंडिडेट भी तो होना चाहिए ना। वो आपका काम है जी, मेरे को नहीं पता, मेरे को मेड दो आज के आज, दो अभी 1 घंटे में दो, मेरे को मेड चाहिए अभी अभी। मैडम मैं देखिए आपसे कोई झूठा वादा नहीं कर रहा, हमारे ना ऐसा काम है, आज तो नहीं हो पाएगा। आई एम सो सॉरी। कितने दिन लग जाएंगे और? 2 दिन से तो नहीं, मैंने कब कहा मैडम आपसे, आपको पागल समझता हूं। आपको मेरा अरेंजमेंट करना करो तो मैं कोई और एजेंसी से बात करूं, आप मेरे को बेवकूफ मत बनाओ यहाँ पे। पता है क्या बुरा हाल हो रहा है, इतने काम होते हैं घर में, आपको क्या पता, आप जानो अगर आपको काम करना पड़े खुद, 2 बच्चे हैं घर में, बर्तन है, उनके काम है, उनके कपड़े धोना, उनको खाने का देखना, सब कुछ कौन करेगा ये सब? मैडम मैं समझ रहा हूँ, आप मेरे को हफ्ता दे दो, अच्छा हफ्ता दे दो आप मेरे को। ये हफ्ता ना, आप 1.5 महीने से मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, मुझे पागल बना रहे हो हफ्ता हफ्ता करके। आपको पता है मैडम मैं नहीं बना रहा ना पागल, मैं नहीं बना रहा आपको पागल। नहीं देखिए आप फिर बहस कर रहे हो, आप बहस कर रहे हो फिर। मैं बहस कर रही हूँ? नहीं तो अच्छा, नहीं मैं आपकी बात सुनो। नहीं देखिए बदतमीज से बात मत करिए। नहीं मेरे को कोई बात सुनिए, एक तो मैं चाहती हूँ मत करिए, और धीमी आवाज से बात करिए, ठीक है ना? मेरे को ना मेड चाहिए, और तुम आज के आज लाके दोगे मुझे मेड? मैंने कह दिया तुम्हें। ठीक है मैडम, फिर एक काम करो आप मेरे को 5 दिन दे दो, मैं 5 दिन में अरेंज कर देता हूँ मेड। 5 दिन? आप मेरे हस्बैंड को 5 दिन की और छुट्टी लेनी पड़ेगी? आपको पता है 1.5 महीने से काम वो ही कर रही है छुट्टियों के बैठे घर पे, 5 दिन और बोलूंगी तो क्या हो जाएगा, समझे बात को? ओ अच्छा, हस्बैंड ने छुट्टी ले रखी है काम के लिए? सुनाई नहीं दे रहा क्या? 5 दिन से छुट्टी ले रखी है, सारे काम करे, कितना नुकसान है। अच्छा तो फिर मैं शाम तक भेज देता हूँ मेड। शुक्रिया, शाम तक भेज दीजिए। हाँ मैं भेज देता हूँ, मेरे को मालूम नहीं था, मैं तो भेज चुका होता अब तक, मेरे को अंदाजा ही नहीं था। ठीक है मैडम, कल से कह देना वो जॉब पे जाएं, मैं मेड भेजता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।